हेलो फ्रेंड्स, कुलेश किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उड़द दाल की बड़ी और आलू की सब्जी बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 3 मीडियम साइज़ के आलू। अच्छे से हमने इसे छील के धो लिया है, धो के इस तरीके से पीस में कट कर लिया है। इसके लिए हमने लिया है 1 कटोरी, ये हमने लिया है उड़द दाल की बड़ी। ये बड़ी बनाने की रेसिपी आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो ये हमने लिया है 1 कप या 1 कटोरी लेंगे। 3 बड़े साइज़ के टमाटर बारीक चॉप करके, 1 बड़ा साइज़ का प्याज लिया हमने बारीक कटी हुई, धनिया पत्ती लिया है बारीक काट के। इसमें हम डाल रहे हैं आधा चम्मच हमने लिया हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लिया है धनिया पाउडर, नमक लेंगे टेस्ट के अनुसार, जीरा हमने लिया है आधा चम्मच, साथ ही हमने लिया 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, लहसुन लिया हमने 5 से 6 कलियाँ बारीक चॉप करके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसमें हम गरम मसाला यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप गरम मसाला डाल सकते हैं आधा चम्मच। सबसे पहले हम फ्राइंग पैन में 1 छोटा चम्मच हमने तेल चढ़ा लिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हमने जो बड़ी ली है उसे हम डाल लेंगे। इसे हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे इस तरीके से, बिल्कुल ज़रा सा ही करना है हमें। फ्लेम हमने अभी मीडियम लो रखा है। इसे हल्का सा हमने भून लिया है। अगर आपकी बड़ी का साइज बड़ा है तो आप इसे हल्का सा तोड़ लेंगे दो दो पीस में। इसे हमने प्लेट में निकाल लिया, तरीके से सभी को निकाल लेंगे। और फिर से हम 1 छोटा चम्मच तेल हमने चढ़ा लिया है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च, जीरा, लहसुन। इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। इसे अच्छे से भून लेंगे हम 1 मिनट तक। थोड़ा सा इसे सुनहरा करना है। प्याज को हमने अच्छे से भून लिया है। इसमें जो हमने आलू लिया है वो डाल लेंगे, डाल के अच्छे से मिला लेंगे। साथ ही जो हमने मसाले लिए हैं डाल देंगे, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, नमक भी डाल देंगे। और सभी को मिला के फ्लेम मीडियम रख के इसे हम ढक देंगे 1 मिनट के लिए। पहले अच्छे से मिला लेंगे। एक मिनट बाद हम सब्जी चेक कर लेंगे। 1 मिनट हो चुके हैं और सब्जी को अच्छे से फिर से मिला लेंगे। बीच में हल्का सा स्पेस रख लेंगे और इसमें हम डाल देंगे टमाटर। आप चाहे तो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने बारीक चॉप किए हुए टमाटर लिया है, इसे बीच में ही रखेंगे और फिर से इसे हम ढक देंगे। फ्लेम अभी हमने मीडियम ही रखा है। सब्जी चेक कर लेंगे। टमाटर को इस तरीके से प्रेस करते हुए मैश कर लेंगे और सब्जी को अच्छे से मिला लेंगे। जो हमने बड़ी लिया था रोस्ट किया हुआ था उसे भी डाल लेंगे। डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिला के इसे हमें 1-1 मिनट में भून के इस तरीके से चम्मच चलाते जाना है। तो इसे हम 2 से 3 बार इसी तरीके से 1-1 मिनट बाद भून लेंगे। सब्जी अच्छे से भून चुका है, इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप पानी। अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम 1 मिनट के लिए फिर से हाई फ्लेम कर लेंगे और ढक देंगे, थोड़ी सी ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। 2 मिनट हो गए हैं और देखिए हमारी सब्जी अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। गैस बंद कर लेंगे, इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डाल लेंगे। अच्छे से मिला के बाउल में निकाल लेंगे इसे हम। आलू बड़ी की सब्जी बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।